अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच लेटेस्ट वीडियो ऑफ डिलीशियस डिश एंड आल्सो टैप द बेल बटन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक रशियन सैलेड। जी हाँ दोस्तों, आज इस रशियन सैलेड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने गाजर लिया है। ये एक गाजर को हमने वॉश कर लिया, उसके बाद इसको पील कर लिया यानी कि छील लिया, और उसके बाद हमने दोबारा इसको वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये खीरा है, इसको भी हमने ठीक गाजर की तरह पील करके वॉश कर लिया है और इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए। इसके बीज को हमने निकाल दिया था। और ये स्वीट कॉर्न है, इसको भी हमने ले लिया है। और साथ ही हमने रेड शिमला मिर्च ली है। ये एक कैप्सिकम को हमने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही हमने इसमें येलो शिमला मिर्च भी ले रखी है। ये भी हमने एक शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ ही हम ग्रीन शिमला मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं इसमें। और ये हमने पैन में पानी चढ़ाया हुआ है, इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। जब पानी बॉईल होने लगेगा तो हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। हम इसमें खीरा नहीं डालेंगे, इसके अलावा सारी चीज़ें डालेंगे। ये हमने ग्रीन शिमला मिर्च डाल दी और इसके साथ ही हम यहाँ पे गाजर डाल रहे हैं। ये भी हम इसमें बॉईल कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना होगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको स्टीम देना होगा। और साथ ही हम यहाँ पे रेड शिमला मिर्च डाल रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे येलो कैप्सिकम डाली, ये भी हम इसमें डालेंगे। सिर्फ हमें इसको स्टीम देना है कि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। और ये हम यहाँ पे कॉर्न डाल रहे हैं, इसको हम एक बार अच्छे से चला देते हैं और इसको थोड़ा सा हम स्टीम दे देते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको छान लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने का वेट करेंगे। ये हमने इसको 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था ताकि इसका सारा वाटर ड्रेन आउट हो जाए और ये थोड़ा ठंडा हो सके। अब हम एक बड़ा पैन लेंगे और उसमें सारी बॉइल्ड चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही हम इसमें खीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें एक कटा हुआ सेब ऐड करेंगे। ये एक एप्पल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसकी छिलकी को हमने नहीं उतारा है। और इसके अलावा हम इसमें एक अमूल चीज़ क्रीम डाल रहे हैं। यहाँ पे आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये हम 2 टेबलस्पून इसमें अमूल चीज़ क्रीम डालेंगे। पहले हम एक छोटी कटोरी में इसको निकालेंगे और थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो सके और मिक्स करने में आसानी हो। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। यहाँ पे आप वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, जितना भी आपको चटपटा स्पाइसी खाना हो। चाट मसाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि चीज़ क्रीम में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, उस लिहाज से हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं यानी कि नमक। और इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ी सी शुगर डालेंगे। यहाँ पे हम 1 टीस्पून यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा सॉल्टी और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट बनाना चाहते हैं, खट्टा मीठा का फ्लेवर देंगे। अब हम इसमें अमूल चीज़ क्रीम डाल रहे हैं, जो कि हमने बाहर मेल्ट होने के लिए रखी थी। क्रीम को हम इसमें डालेंगे और बहुत अच्छा सा मिक्स देते हुए एक दूसरे के साथ क्रीम को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल में आसानी से जितनी सैलेड आ जाए उतनी हम इसमें रखेंगे। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे चुकंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुकंदर हमने सैलेड में बीच में बॉईल करते वक्त इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसका कलर छूटता है और सारी सैलेड का कलर एक दूसरे में लग जाता और सारी सैलेड रेड कलर की दिखने लगती है हमको, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे गार्निशिंग में यूज़ कर रहे हैं। इसके चुकंदर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं वॉश करके, और इसका हमने फ्लावर बना हुआ है, इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं ताकि ये देखने में और ख़ूबसूरत लगे। फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है। यहाँ पे आप पाइनएप्पल और ग्रीन पी यानी कि अनानास और हरी मटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी विश है। आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइए कि रशियन सैलेड आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।